हेलो, वेलकम। आज हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स फंक्शंस। कॉन्वेक्स फंक्शंस क्या होते हैं, है ना? तो कोई भी फंक्शन को किसी इंटरवल में, है ना, एनी फंक्शन इन इंटरवल ए कॉमा बी, है ना, फॉर एवरी एक्स वन एंड एक्स टू, ओके, आर दी सबसेट ऑफ दिस वन, दिस इंटरवल। अगर एक्स वन और एक्स टू का वैल्यू इस ए और बी के बीच में है ना, क्या देख रहे हैं हम लोग? कॉन्वेक्स फंक्शन, है ना। तो मैथमेटिकली थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। कोई भी फंक्शन एक्स वन और एक्स टू, है ना, अगर इस इंटरवल में है, ए और बी के बीच में है, अगर एक्स वन और एक्स टू का वैल्यू, है ना, ओके, और एक वैल्यू है लेमडा, जिसका वैल्यू जीरो और वन के बीच लाई करता है ना। तो कोई भी फंक्शन एफ एक्स, है ना, अगर इस इनइक्वालिटी को फॉलो करता है ना, फंक्शन ऑफ लेमडा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमडा एक्स टू, ओके, दैट विल बी ओके लेस देन और इक्वल टू एफ लेमडा एक्स वन, लेमडा एफ एक्स वन, ओके, प्लस वन माइनस लेमडा एफ एक्स टू, ओके। अगर इस इनइक्वालिटी को फॉलो करता है कोई भी फंक्शन एफ एक्स, तो हम लोग कहते हैं कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है ना, इट इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन, इट इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना। अगर कहीं भी आपको निकालना है, ठीक है, कोई भी एक्स वन एक्स टू के बीच दो वैल्यू ले लीजिए, एक्स वन और एक्स टू, ओके, इस इंटरवल में, जिस इंटरवल में हमको चेक करना है कि ये जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्वेक्स है कि नहीं है, ठीक है, और कोई भी लेमडा का वैल्यू ले लीजिए जीरो और वन के बीच, और ये वैल्यू निकाल लीजिए। पहला फंक्शन ऑफ लेमडा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमडा एक्स टू, ओके, एंड सेकेंड वन दिस वन, है ना, लेमडा एफ एक्स वन और वन माइनस लेमडा एफ एक्स टू, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हमेशा बड़ा आएगा या एटलीस्ट इक्वल आएगा, है ना। और इक्वल अगर, है ना, इस छोर पे या इस छोर पे अगर इक्वल आता है तो इसको कहते हैं हम लोग ये फंक्शन स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है ना। अगर इसको स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स होना है ना, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, है ना, तो जो इक्वालिटी है, ओके, इक्वालिटी विल होल्ड ओनली एट लेमडा इक्वल टू जीरो एंड लेमडा इक्वल टू वन, है ना। एक्सट्रीम वैल्यूज जो है लेमडा के, उस पर ही इक्वालिटी अगर होल्ड होता है, बाकी इन बिटवीन भी लेमडा के किसी भी वैल्यू के लिए ये वाला हमेशा छोटा होता है ना। दिस वन लेफ्ट एलएचएस इज ऑलवेज लेस देन आर एच एस, है ना, और इक्वालिटी होल्ड होता है ओनली एट दीज टू वैल्यूज, लेमडा इक्वल टू जीरो एंड लेमडा इक्वल टू वन, देन दिस वैल्यू इज नोन एज, दिस फंक्शन इज नोन एज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स फंक्शन, ओके। और अगर ऐसा नहीं है ना, कहीं पर भी जीरो हो जा रहा है बीच में भी, लेकिन हमेशा ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू दोनों में से किसी एक को कर रहा है, तो दैट विल बी कॉन्वेक्स। स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स के लिए इक्वालिटी विल ओनली होल्ड एट लेमडा इक्वल टू जीरो एंड लेमडा इक्वल टू वन, ओके। सो ये तो एक मैथमेटिकल चीज है जिससे कि हम लोग कह सकते हैं कि एफ एक्स कॉन्वेक्स फंक्शन कब होगा, जब इस इनइक्वालिटी को होल्ड करेगा, है ना। अब इसको जरा सा हम लोग ऐसे समझते हैं ग्राफ के हेल्प से कि ग्राफिकल वे में एक कॉन्वेक्स फंक्शन कैसा दिखता है, और थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देखेंगे कि
कौन कौन से जो फंक्शन है वो कॉन्वेक्स है, है ना। कोई भी फंक्शन है ना, कोई भी फंक्शन अगर किसी लेट अस सपोज इधर एक्स है और इधर एफ एक्स है ना, ये कॉर्ड है, कोई भी एक कॉर्ड है, अगर हमेशा ये फंक्शन इस कॉर्ड के ऊपर रहता है, हमेशा, कोई जरूरी नहीं है कि यही कॉर्ड हो सकता है, इट मे बी ये कॉर्ड है ना, यहां एक्स है, यहां पर एफ एक्स है ना, और ये आपका कॉर्ड है, नेगेटिव में भी कॉर्ड हो, और ये लेट अस सपोज कुछ ऐसा फंक्शन है, ये एफ एक्स का ग्राफ है, देन दीज फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्वेक्स फंक्शन। ओके, और कॉनकेव फंक्शन क्या है फिर, है ना, कोई भी इसका उल्टा है ना, ये लेट अस सपोज एफ एक्स है, ओके, और इधर एक्स है, कोई भी लेट अस सपोज ये कॉर्ड है, अगर कोई भी ग्राफ इस कॉन्वेक्स ये कॉर्ड के हमेशा नीचे रहता है तो कौन सा फंक्शन होगा, कॉनकेव फंक्शन, है ना। तो ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव फंक्शंस के डिफिनेशन, इफ एनी फंक्शन एक्स लाइज ऑलवेज अबव एनी सर्टेन कॉर्ड, है ना, अबव सर्टेन कॉर्ड देन दिस फंक्शन इज नोन एज कॉन्वेक्स फंक्शन, और इफ एनी फंक्शन एफ एक्स ऑलवेज लाइज बिलो एनी कॉर्ड देन दिस फंक्शन इज नोन एज कॉनकेव फंक्शन। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ convex and concave, but our main goal is to prove the inequality, वो जो inequality था ना उसको प्रूफ करना था, है ना। चलिए एक थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शन है जो convex होंगे, जैसे x square mod x, x log x, these functions are always convex functions, these functions are always convex functions, okay, or e to the power x bhi hai, e to the power x is always is also convex, hai na, these are the example of convex, or log x, hai na, okay, and root x, all these things are concave functions, concave, है ना, तो ये these are the convex, x square mod x, x log x, ex, these are the convex functions, and log x, root x, these are the examples of concave functions. Okay, now we'll see एक थ्योरम है ना, ये थ्योरम क्या कहता है, कि इफ ये थ्योरम है, इसका यूज करके हम लोग प्रूफ करेंगे जो इनइक्वालिटी आ रहा था, इफ एनी फंक्शंस, इफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब पॉजिटिव के साथ साथ जीरो, है ना। और यहां पर एक और अभी मैं खाली रहने देता हूं, उसमें बताऊंगा क्या है, इफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ओके, ओवर एन इंटरवल देन, ओके, द फंक्शन इज, ओके, देन द फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्वेक्स फंक्शन
के फंक्शन है ना। अगर सेकेंड डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव है ना इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो ओके देन एफ एक्स इज कॉन्वेक्स फंक्शन कॉन्वेक्स। अब हमने एक टर्म यूज किया था स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स कब होगा जब ये वैल्यू सेकेंड डेरिवेटिव विल ऑलवेज बी इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब कि नॉन नेगेटिव होगा तो ये कॉन्वेक्स फंक्शन होगा और अगर ये सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया तो ये स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स होगा। स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है ना। ये जब ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो कॉन्वेक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है ना। तो ये इसका यूज करके हम लोग उसका अभी जो हम लोगों ने देखा है इनइक्वालिटी है ना कॉन्वेक्स फंक्शंस के लिए उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ओके तो कॉन्वेक्स फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं है ना। आप लिख सकते हैं यहां पर कॉन्वेक्स फंक्शन है ना। हम लोगों को प्रूफ क्या करना है कॉन्वेक्स फंक्शन के लिए कोई भी कॉन्वेक्स फंक्शन कब होगा जब एफ ऑफ लेमडा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमडा एक्स टू ओके विल बी लेस देन और इक्वल टू लेमडा एफ एक्स वन प्लस वन माइनस लेमडा एफ एक्स टू ओके। अगर इसको फॉलो करेगा कोई भी फंक्शन अगर इस इनइक्वालिटी को फॉलो करेगा देन दैट विल बी कॉन्वेक्स फंक्शन ओके कॉन्वेक्स फंक्शन ओके। इसको प्रूफ कैसे करना है ये हम लोगों को देखना है ना। आपको पता है एक होता है टेलर सीरीज एक्सपेंशन। टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है पढ़े होंगे आप लोग एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट और एक्सपेंशन अबाउट है ना एक्स नॉट इट इज सेंटर्ड अबाउट एक्स नॉट। तो क्या लिखते हैं हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस एफ डैक्स एक्स नॉट ओके एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ डबल डैक्स एक्स स्टार। अभी मैं बताऊंगा एक्स स्टार क्या है एफ डबल डैक्स एक्स स्टार एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैक्स एक्स डबल स्टार एक्स माइनस एक्स नॉट का होल क्यूब एंड सो ऑन है ना। अभी हम लोग यही रहने ओके यहां पर कुछ ऐड होता जाएगा छोटा छोटा टर्म है ना ओके। सो हम लोगों ने अभी क्या देखा था अभी हम लोगों ने देखा था कि जो अगर हम लोग यही सेकेंड टर्म तक भी ले बाकी अभी पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ता चला जाएगा है ना। हम लोगों ने क्या माना था कि जिसका भी सेकेंड डेरिवेटिव है ना सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो क्या होगा है ना बाय द हाइपोथेसिस जो अभी हम लोगों ने देखा था बाय द हाइपोथेसिस है ना एफ डबल डैक्स एक्स स्टार विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ना। कॉन्वेक्स फंक्शंस के लिए हम लोगों ने क्या बोला था कि कोई भी अगर किसी का भी डबल डेरिवेटिव जीरो या जीरो से बड़ा है तो हमेशा क्या होगा कॉन्वेक्स ओके। तो इसके लिए हम लोगों ने देखा और जहां पर ये एक्स स्टार क्या है ये भी समझना जरूरी है एक्स स्टार इज इट लाइज बिटवीन एक्स एंड एक्स है ना। ये एक्स नॉट और एक्स
के बीच का कोई वैल्यू है एक्स स्टार। ओके सो ओके नो प्रॉब्लम। अब हम लोगों को देखना है, देखिए हमको लाना क्या है, ये वैल्यू लेमडा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमडा एक्स टू। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक हमारे पास वैल्यू है एक्स नॉट, तो एक्स नॉट को हम मान लेते हैं लेट एक्स नॉट इज इक्वल टू दिस वैल्यू लेमडा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमडा एक्स टू। क्या होगा अभी पता चलेगा, है ना, एक्स नॉट को हमने ये मान लिया। ओके एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एफ एक्स वन, है ना। अब हमको क्या करना है, एफ एक्स वन निकालना है और एफ एक्स टू निकालना है। तो पहले एफ एक्स वन निकालेंगे, तो एफ एक्स का वैल्यू हम सबसे पहले किस पर निकालेंगे, है ना, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स वन। ओके इसका वैल्यू हम एक्स वन पर निकालना चाहते हैं। अब बस समझने वाली बात ये है कि ये वैल्यू हम क्या कह रहे हैं कि दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, है ना, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि देखिए सेकेंड डेरिवेटिव तो पॉजिटिव हमने मान लिया है बाय द हाइपोथेसिस, और ये x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर, ये भी क्या होगा, दैट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और मिनिमम कितना हो सकता है जीरो। तो ये वैल्यू हम जब कुछ इस फंक्शन में हम कुछ ऐड कर रहे हैं तब ये वाला आ रहा है। तो कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ ना, इसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं फिर ये आ रहा है, मीन्स दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वन, इससे ये वाला बड़ा है, क्योंकि इसमें कुछ ऐड करेंगे तब ये आएगा। बस ये टर्म का सिर्फ इतना मतलब है कि इसको ये पॉजिटिव होगा, और ये क्योंकि ये पॉजिटिव है मतलब इतना में कुछ ऐड कर रहे हैं इसलिए ये आ, मतलब दिस LHS will be greater than this value, क्योंकि इसमें हम कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे तो ही ये आएगा, है ना, मीन्स दिस विल बी ग्रेटर देन दिस। ओके और कहां पर निकाल रहे हैं हम, एक्स वन पे, तो यहां पर आ जाएगा एफ एक्स वन, ओके इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू है, जब ये इक्वल होगा तो ये इक्वल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, इट विल बी इक्वल टू। और ये भी है कि यहां एक्स नॉट नहीं रखेंगे हम लोग, एक्स नॉट कहां रखेंगे, यहां पर सिर्फ, ये है ना x माइनस एक्स नॉट, यहीं पर एक्स नॉट का वैल्यू रखेंगे और एक्स वन का वैल्यू रखेंगे, यहां पर एक्स नॉट और एक्स नॉट रहने देंगे एज इट इज, क्योंकि ये और बहुत बड़ा करने का जरूरत नहीं है, है ना, इसका लास्ट में वैल्यू रखेंगे, जब ये सब कट वट जाएगा तब एक्स नॉट का वैल्यू रखेंगे, है ना। ओके सो इट विल बी एफ डैक्स एक्स नॉट, एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स को हमने क्या ले लिया है इस बार, एक्स वन माइनस एक्स नॉट, क्या है एक्स नॉट लेमडा एक्स वन माइनस वन माइनस लेमडा एक्स टू, है ना, ये इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स नॉट प्लस, ओके दिस वन, है ना, एफ डैक्स एक्स नॉट, और ये क्या हो जाएगा, इसमें से हम लोग एक्स वन को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां वन माइनस लेमडा आ गया माइनस वन माइनस लेमडा एक्स टू तो है ही है, है ना। अब इसमें से वन माइनस लेमडा इसमें भी है, वन माइनस लेमडा इसमें भी है, इसको कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ये, है ना, अब मैं ठीक है इसको यहां से हटा देता हूं, ठीक है नो प्रॉब्लम, इसको अभी रख रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहां पर इसी में वैल्यू रखेंगे, फिर एक बार x2 भी तो रखना है ना, तो ये एफ एक्स वन, ओके एफ एक्स वन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस f डैक्स x नॉट, है ना, यहां पर 1 माइनस लेमडा हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचा x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 हो जाएगा,
लेट अस सपोज दिस इज योर इक्वेशन वन यू कैन से ओके एंड एट एक्स इक्वल टू एक्स टू हम लोग फिर से एफ एक्स वन निकाल लिया हमने यहां पर अभी एफ एक्स टू निकालना है एफ एक्स टू के लिए क्या करना पड़ेगा इस एक्स के जगह पर एक्स टू पुट करना पड़ेगा तो ये कितना आ जाएगा एफ एक्स टू राइट हैंड साइड में तो ये एफ एक्स नॉट है नो प्रॉब्लम यहां पर भी एफ टैक्स एक्स नॉट है नो प्रॉब्लम ओके और जो ये x माइनस एक्स नॉट है तो x के जगह पर हम लोगों ने क्या रखा x2 और x नॉट के जगह पर हम लोगों ने क्या रखा था ये लेमडा x1 अभी हमने देखा था x नॉट वाज लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2 है ना ये वैल्यू हो गया ये आ गया एफ एक्स नॉट प्लस ये एफ डैक्स एक्स नॉट ओके और ये जो वैल्यू आया दिस इज योर x2 माइनस लेमडा x1 इसको ब्रेक कर दीजिए x2 प्लस लेमडा x2 है ना ये x2 कट जाएगा सो इट विल बी इक्वल नहीं होगा ये इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू अगेन दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू है ना दिस ये वैल्यू क्या आ गया एफ एक्स टू सॉरी एक्स नॉट एफ एक्स नॉट एफ डैक्स एक्स नॉट ओके और यहां पर क्या आ गया इसमें से आप कॉमन ले लीजिए क्या चीज लेमडा तो आप लेमडा कॉमन ले लोगे तो क्या बचा यहां पर पॉजिटिव क्या है एक्स टू माइनस एक्स है ना तो ये आपका आ गया एफ एक्स टू ये आप इक्वेशन आप ले सकते हैं टू ठीक है अब इसमें छोटा सा चीज आपको करना है यहां पर एफ एक्स वन है यहां पर एफ एक्स टू है लाना क्या है दिस वन लेमडा एफ एक्स वन प्लस वन माइनस लेमडा एफ एक्स टू तो आप क्या करिए इक्वेशन वन में लेमडा से मल्टीप्लाई कर दीजिए ये टर्म आ जाएगा प्लस है ना इक्वेशन वन इंटू लेमडा प्लस तो ये टर्म आ गया दूसरा ये टर्म लाना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा ये एफ एक्स टू है एफ एक्स टू में वन माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये क्या है इक्वेशन टू में अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वन माइनस लेमडा से ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा है ना इक्वेशन वन विल बी मल्टीप्लाइड बाई लेमडा सो लेमडा एफ एक्स वन प्लस इक्वेशन टू मल्टीप्लाइड टू एफ एक्स टू मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस लेमडा इंटू एफ एक्स टू ओके और ये हमेशा चूंकि लेमडा का वैल्यू और वन माइनस लेमडा दोनों ही ग्रेटर देन जीरो है क्यों क्योंकि लेमडा का वैल्यू हमने लिया है जीरो और वन के बीच इसको मल्टीप्लाई करिए लेमडा से माइनस से तो माइनस से करने से क्या होता है माइनस यहां पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है ना अब क्या करिए आप दोनों तरफ वन ऐड कर दीजिए है ना चारों तरफ वन ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज इट इज रहेगा वन माइनस लेमडा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ठीक है तो यहां से आप क्या देख रहे हैं इसको थोड़ा सा पलट लेते हैं वन माइनस लेमडा इज लेस देन इक्वल टू वन एंड वन माइनस लेमडा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब कि अगर लेमडा का वैल्यू जीरो और वन के बीच ले रहे हैं तो वन माइनस लेमडा भी जीरो और वन के बीच ही रहेगा मतलब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है ना तो जब ये भी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये भी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किसी का भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा मतलब ये एल एच एस बड़ा होगा आर एच एस सो इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वन और आर एच एस में जरा देखते हैं क्या फर्क पड़ता है ना दिस इज योर एफ एक्स नॉट इस प्लस इसमें मल्टीप्लाई करना है सॉरी डायरेक्ट एफ एक्स नॉट नहीं होगा इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई ओके लेमडा इसमें लेमडा से मल्टीप्लाई होगा सो लेमडा एफ एक्स नॉट
प्लस इसमें मल्टीप्लाई होगा लेमडा से. सो एफ एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाई लेमडा, वन माइनस लेमडा, और ये सब तो पहले से है, एक्स वन माइनस एक्स टू. ओके, प्लस सेकेंड टर्म दिस वन, वन माइनस लेमडा इंटू एफ एक्स टू. इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करना है? वन माइनस लेमडा से. ओके, सो दिस इज योर वन माइनस लेमडा एफ एक्स नॉट, प्लस इसमें भी वन माइनस लेमडा से मल्टीप्लीकेशन होगा. सो वन माइनस लेमडा, पहले एफ एक्स नॉट लिख लेते हैं, है ना, वन माइनस लेमडा को इसके बाद लिख. ओके, सो वन माइनस लेमडा से इसे मल्टीप्लाई करना है, तो लेमडा इंटू वन माइनस लेमडा एक्स टू माइनस एक्स वन, है ना. थोड़ा सा रीअरेंज करके हमने इसलिए लिखा है ताकि ये देखने में सिमिलर लगे, है ना. इसमें लेमडा से मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें वन माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसलिए ये और ये ऐसा वैल्यू आया. अब इसमें हम देख सकते हैं एफ एक्स नॉट, है ना, ये दोनों सेम है, लेमडा लेमडा, वन माइनस लेमडा, वन माइनस लेमडा सेम है. यहाँ एक्स वन माइनस एक्स टू है और यहाँ पर एक्स टू माइनस एक्स वन है, है ना. तो यहाँ ये उल्टा है, तो हम इसको थोड़ा सा माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से. तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक्स वन आ जाएगा, यहाँ पर एक्स टू आ जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, नहीं. तो ये अब देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, तो ये कट जाएगा. कटने के बाद एक चीज हम लोगों को और समझना है, है ना. अब इन सब चीजों का हो गया, मतलब कुछ ज्यादा है नहीं, है ना. इसी को आगे बढ़ाते हैं. तो इसको क्या लिखेंगे, लेमडा एफ एक्स वन प्लस वन माइनस लेमडा एफ एक्स टू विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ये दो वैल्यूज, है ना. क्या हो जाएगा, लेमडा एफ एक्स नॉट, और इसको जरा मल्टीप्लाई कीजिए एफ एक्स नॉट को, तो यहां पर आ जाएगा वन माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स नॉट माइनस लेमडा एफ एक्स नॉट. अब ये क्या समझ में आया, ये वैल्यू और ये वैल्यू भी कट गई, ठीक है. और अब इसको आर एच एस को एल एच एस में लिख ले, एफ एक्स नॉट विल बी लेस देन इक्वल टू लेमडा एफ एक्स वन प्लस वन माइनस लेमडा एफ एक्स टू. ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन में जो हमको प्रूफ करना है वो आर एच एस में, और एक्स नॉट का वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया था, लेमडा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमडा एक्स टू. आपको याद होगा एक्स नॉट का वैल्यू था, सो इट विल बी फंक्शन ऑफ एक्स नॉट, मतलब लेमडा एक्स वन प्लस ये लेस देन इक्वल टू एफ एक्स वन प्लस वन माइनस लेमडा एफ एक्स वन, है ना. दिस इज वेरी वेरी सिंपल, है ना. हेंस प्रूव्ड, हेंस ये बार बार एग्जामिनेशन में पूछता है, है ना. ओके, सो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है. और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे जेनसन्स इनइक्वालिटी. एक्चुअल में ये जो कॉन्वेक्स फंक्शंस का जो ये प्रूफ है, ये इसलिए पढ़ना जरूरी था क्योंकि जेनसन्स इनइक्वालिटी जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझने के लिए ये कॉन्वेक्स फंक्शंस का ये प्रूफ बहुत जरूरी था, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.